दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। देश के 3 राज्यों में 27 नाटकों के 280 सेकंड भी ज्यादा शो कर चुकी सीमा मोदी को यूपी की बहू के रूप में पुकारा जाता है। इस वक्त वो अपना पूरा फोकस अपने थिएटर आर्ट पर रख रही हैं। सीमा ने बताया, वे अपने किसी रिलेटिव की शादी में आए थे और मुझसे मिलने के लिए अपनी ट्रेन की टिकट तक कैंसिल करा दी। सीमा ने बताया, मेरी बेसिक एजुकेशन झारखंड से हुई। मैंने बीए तक की पढ़ाई हजारीबाग से ही किया है। झुमरी तलैया को बहुत सारी फिल्मों में और गानों में लोगों ने जाना है। अक्सर लोग झुमरी तलैया शब्द को मजाक ही समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि झुमरी तलैया एक बहुत खूबसूरत वादियों वाला शहर है। बात 1995 की है। मेरे IPS पति मोहन मोदी अपनी शादी के लिए मेरे किसी रिश्तेदार घर आए थे। किसी कारण से शायद उन्हें लड़की पसंद नहीं आई। इसके बाद मुरादाबाद जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे तो जानकारी हुई, गाड़ी 6 घंटे लेट है। मेरा घर स्टेशन के पास में ही था तो मामा उन्हें लेकर घर आ गए। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा चंचल स्वभाव की थी। मेरा पूरा घर म्यूजिकल माहौल में था। ढोलक हारमोनियम सब व्यवस्था घर पर ही थी क्योंकि मेरा शौक थिएटर और म्यूजिक था। सीमा ने कहा, मेहमान के आने के बाद माँ ने कहा, जाओ पकौड़ी बनाओ। मैंने हंसते हुए कहा, मैं मेहमान नवाजी करूँगी, आप बनाओ। फिर माँ पकौड़ी तलने लगी और मैं उनको खिलाने लगी। जब उनका पेट भरन लगा तो वो खाने से मना करने लगे। मैंने ही चुटकी लेते हुए बोल, माँ अब मत बनाओ, मेहमान मना करने वाले हैं। सब हंसने लगे, माँ ने मुझे डांटा भी। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कुछ दिन यही रुक जाऊँ। पापा ने कहा, किसने रोका है, तुम्हारा ही घर है। इसके बाद उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दिया। माँ ने कहा, अगल सुबह मैंने मोदी जी की फरमाइश पर मैंने एक भजन गाया, मोरा मन दपण कहलाए, जिसके बाद ही उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। मोहन ने मेरे मामा से बाहर आकर कहा, मेरी अभी तक की लाइफ के ये 24 घंटे सबसे अच्छे रहे हैं। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी शादी सीमा से ही होगी, आप तैयारी कीजिए। 2 महीनों में ही हमारी शादी होनी थी। इस बीच उनका लेटर आया कि छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए सब लोग मुरादाबाद आ जाओ, यहीं से शादी होगी। इसके बाद हम सब पूरी फैमिली के साथ मुरादाबाद ही आ गए, वहीं पर शादी हुई। आज भी मैं इनको कभी कभी चिढ़ाती हूँ कि मैं खुद बारात लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पति के पास समय नहीं था। मैंने मुरादाबाद में रह हकर MA फिर हिस्ट्री से PhD की और आज थिएटर के जरिए लड़कियों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने की थेरेपी पर काम कर रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।